अपने घर का इंतजार कर रहे एक दंपत्ति का धैर्य उस वक्त जवाब दे गया जब 9 साल बाद भी बिल्डर की बहानेबाजी जारी रही। थक हार कर दंपत्ति ने डीसी से शिकायत की है। अब बिल्डर को 3 दिन में शेष राशि लौटाने का निर्देश दिया गया है और मामले का निष्पादन नहीं करने की स्थिति में FIR दर्ज करने का फरमान भी सुनाया गया है। कितने ऐसे बिल्डर होंगे जिन्होंने लोगों को अपने घर का सब्ज बाग दिखाकर भुलावे में रखा। ऐसा ही एक और मामला धनबाद से सामने आया है, जहां 2011 में एक दंपत्ति ने बिल्डर धीरज सिंह को आस्था मनमोहन स्टेट सरायढेला में एक फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख दिए थे। बिल्डर ने 2013 में फ्लैट हैंडओवर देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए ले लिए, लेकिन तब से लेकर आज तक उन्होंने कोई फ्लैट हमें वापस नहीं किया, ना ही वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 2016 में इन्होंने क्या किया, हमें झांसा देने के लिए इन्होंने 4 चेक इशू किए हमारे नाम पे कि हम आपको पैसा वापस कर रहे हैं। वो सारे चेक्स बाउंस हो गए। उसके बाद से इसने बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, और आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना हमें पैसा दे रहा ना हमारा फ्लैट वापस दे। उपायुक्त ने आरोपी बिल्डर को फोन कर 3 दिन में राशि लौटाने का निर्देश दिया। राशि नहीं लौटाने पर FIR दर्ज कराने की बात कही। 15 लाख रुपए की राशि दी गई थी। 2020 तक जो आवेदक हैं उनको ना तो कोई जमीन आवंटित हुई, ना ही कोई फ्लैट आवंटित हुआ। उन्होंने चेक भी दिखाया, चेक भी बाउंस हो गया था। तो इस तरह के फ्रॉड करके आप किसी मध्यम परिवार को आप अगर प्रताड़ित करेंगे तो अवश्य कि हम लोग कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोग। वहीं जब आस्था बिल्डर के निदेशक से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 3 साल का टाइम दिए थे उनको, लेकिन थोड़ा सा टाइम में देरी हो गया। बाकी उनका जो गिरवांसेज रहेगा कर देंगे, या तो पुराना फ्लैट जो बुक कराया था वो ले लें, वो तो हम दो महीने के अंदर हैंड ओवर दे देंगे, और अगर नया में वो लेंगे तो करीब 1 साल लगेगा उनको हैंड ओवर देने में। एक घर के लिए कई लोग अपनी सारी जीवन की जमा पूंजी लगा देते हैं, जैसा इस मामले में हुआ। 9 साल इन्हें इंतजार करना पड़ा। 9 साल कोई कम वक्त नहीं होता। हालांकि बिल्डर की मनमानी रोकने के लिए कई कानून भी बने हैं, लेकिन लोगों के साथ ठगी करने वाले बिल्डरों की भी कोई कमी नहीं है। देखते हैं इस मामले में इन लोगों के साथ कब न्याय होता है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से राजकुमार की रिपोर्ट।